वन, मुझे तीज की गिफ्ट मिली है तो मैं उसके खोल रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि गिफ्ट के अंदर क्या है। मैं इतनी फटाफट से खोल रही थी उसको। अभी मेरा एक्सप्रेशन देखना मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत खुश हो गई थी मैं। मुझे चप्पल बहुत दिन से चाहिए था, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने एक जगह पे देखे थे तो तभी तो मैंने नहीं लिए। फिर मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे बिना बताए लेके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए मैं चप्पल पहन के आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद माय लाइफ। आज तीज है, हम लोग ये तीज करते हैं तो मैंने भी आज तीज रखी है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा वन पीस पहन लिया है। सिंपल है बिल्कुल, पर मैंने आज ये भी पहना है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सिंपल ही रेडी हुई हूँ। अभी पूजा करने भी जाना है, पर ये भी थोड़ी सिंपल ही पूजा होती है तो इसके लिए मैं थोड़ा ही रेडी हुई हूँ। शाम को मैं साड़ी पहनने वाली हूँ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। मैंने साड़ी के मैचिंग नेल पेंट्स भी कर दी है क्योंकि मुझे शाम को मैं ऑफिस से आने के बाद फटाफट से साड़ी पहन के रेडी हो जाऊँ, इसके लिए मैंने ऑफिस से तैयारी कर दी है थोड़ी। और मैं ऑफिस इसके लिए जा रही हूँ कि मैं घर पे बैठी रहूंगी तो मुझे भूख लगेगी, इसे पानी भी नहीं पीना है तो मुझे पानी प्यास भी लगेगी, तो ऑफिस जाऊंगी तो अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। वैसे जल्दी आ जाऊंगी मैं, शाम को 7 बजे पूजा होगी उसके पहले मैं आ जाऊंगी, 6-5 बजे मैं आ जाऊंगी। तो मैं रेडी होऊंगी, साड़ी पहनूंगी तो मैं तब तक, तो 7 बजे तक तो मैं रेडी हो जाऊंगी और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप देखिए मेरा ये लुक, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ये वन पीस आपको कैसा लगा। सिंपल ही है, दुपट्टा थोड़ा हैवी है उसका, वन पीस एकदम सिंपल है। वैसे तो ये बिल्कुल करवा चौथ जैसा ही होता है, पूजा करने की होती है और पानी भी ऐसे पूजा के टाइम पी सकते हैं, ऐसा सब होता है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। पानी अभी पूजा के टाइम बाद में पी सकते हैं, फिर पूजा शाम को पूजा करने के बाद दिन नहीं पी सकते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल सेम टू सेम करवा चौथ जैसा ही होता है, और हम लोग ये तीज करते हैं तो मैं भी ये तीज करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है तीज। चलो अभी मैं ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस तो मैं शाम को आके आपके साथ मेरा ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। बाय। हेलो एवरीवन, मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है और साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी आपको पता ही होगा, मेरे वो माताजी वाले ब्लॉग में मैंने ये साड़ी माताजी को पहनाई थी, आज मैंने वो साड़ी पहन ली है। ये मेरे इयररिंग्स, ये मेरी इयररिंग्स, ये मेरी पूजा की थाली, तो मैंने कंकू चोखा अगरबत्ती दिया, और ये मेरा प्रसाद है, हम ऐसे प्रसाद बनाते हैं, ये गेहूं के लुटके ऐसे प्रसाद बनता है। तो मैं चांद को देखूंगी तब ऐसे पूजा करूंगी, और ये दूध और पानी लिया है, और जब भी चांद की पूजा हो जाएगी बाद में मैं उपवास खोल सकती हूँ, खाना भी खा सकती हूँ और पानी भी पी सकती हूँ। अभी चांद का वेट कर रही हूँ मैं। ये देखिए 12 बजे एग्ज़िट 12 बजे मेरा चांद दिख रहा है, और मैंने फटाफट से दिया जलाया और फटाफट से मैं पूजा करने लगी, क्योंकि ये अभी बहुत बारिश हो रही थी और बादल भी ज़्यादा थे तो चांद भी थोड़ी देर मुझे दिखा था, लगभग 5 ही मिनट में बादल में चांद छुप गया।
मैं फटाफट पूजा कर रही हूँ।